हाय, आई एम संचीतनी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लेटर राइटिंग। तो बेसिकली लेटर होते हैं दो टाइप के, पहला होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो अभी थोड़ा फॉर्मल लेटर के बारे में जानते हैं। फॉर्मल लेटर जो होता है वो मैंने थोड़ा लिखा है, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ फिर ओरली बताऊंगी। फॉर्मल लेटर आर दोज लेटर विच इज रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस मीन, समझ आया आपको? ऑफिशियल पर्पस वो होता है जैसे किसी के लिए लिखा जाता है, जैसे कोई जो हायर अथॉरिटीज होती है ना उनके लिए लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल को लिखा जाता है, एडिटर को लिखा जाता है, डायरेक्टर को लिखा जाता है, मैनेजर को लिखा जाता है, पोस्ट मास्टर को लिखा जाता है, और भी बहुत सारे लोगों को लिखा जाता है जो हायर अथॉरिटीज होती है। ठीक है, आप ये समझो कि एक ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। ओके, अब कुछ बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जैसे कि उसमें आते हैं हम लोग, पहला होता है हमारा जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब कोई अप्लाई कर रहे हैं या उसका रिप्लाई करना की रिफ्यूजल भी होता है। ठीक, फिर आता है एक रिक्वेस्ट, किस चीज के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट का मतलब हो गया। फिर आता है आपका कंप्लेन लेटर, फिर रिफ्यूजिंग लेटर और भी बहुत कुछ। और जितने ये मैंने आपको ये सारे बताए हैं जितने, वो आपके सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा का यही रहता है कि कभी ना कभी इन सब में से आपके क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई टाइप का तो होगा ही, है ना? तो चलो हम लोग देखते हैं इनफॉर्मल लेटर कैसे, इनफॉर्मल लेटर के थोड़े बात। चलो मैं अब इस बारे में बताऊंगी कि इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो पर्सनल यूज के लिए होते हैं, पर्सनल पर्पस या पर्सनल यूज। ठीक, इसका मतलब होता है कि जो लेटर हम लोग लिखते हैं ज्यादातर अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, या देखो जैसे मैंने लिखा है इनफॉर्मल लेटर आर दोज लेटर विच इज रिटन फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फादर को लिखते हैं, मदर को लिखते हैं, या फिर अपने ब्रदर को भी लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब है फैमिली मेंबर्स, ओके, और फ्रेंड्स। अब जैसे क्वेश्चन टाइप, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू योर फादर फॉर डेस्टिनेश, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन और आगे का। ठीक, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको, जैसे कि राइट एन इन्विटेशन लेटर फॉर बर्थडे पार्टी फॉर डेस्टिनेश। ठीक, इसका मतलब आप लोग ये समझे कि इनफॉर्मल लेटर होता है पर्सनल पर्पस के लिए। किसको लिखते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ओके, तो थैंक यू, बी पॉजिटिव, बाय।